अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। और आम जनता के बीच में जाएंगे, आम जनता के बीच देखकर जो जो बातें सामने आएगी उन प्राथमिकता से बातों को करने का प्रयास करेंगे। ये मेरा संकल्प पत्र हो गया। नगर निगम का ये जो मूलभूत में काम किसानों के लिए है, का जो वचन पत्र है, किसानों के लिए मेरा संकल्प रहेगा कि मेरी विधानसभा का कोई छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण करने से वंचित नहीं रहे। इसके लिए पूर्व प्राध्यापकों, प्रोफेसर और शिक्षा विशेषज्ञों के सहयोग से देवास एजुकेशन एकेडमी की स्थापना कर प्रतियोगी उच्च शिक्षा की तैयारी के लिए 21 लाख रुपये आप घोषणा इसके साथ साथ हमारे जो वरिष्ठ जन और आम जनता के बीच नाम जाएंगे, आम जनता के बीच देखकर जो जो बातें सामने आएगी उनकी प्राथमिकता से उन बातों को करने का प्रयास करेंगे। ये मेरा संकल्प पत्र हो गया। और भी आप लोगों से सवाल हो तो बाकी इसके बाद फिर आगे की बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे। इसके कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जाना पड़ेगा, मेरा कक्ष मरीजों के परामर्श के लिए हॉस्पिटल में खुलेगा, जिसमें 24 घंटे मेरा दोस्तों को साथी वहाँ पर उपलब्ध रहेगा। तो 2 घंटे कोशिश मेरी है, 2 घंटे रोज मेरी वहाँ पर जनता के बीच में रहूँ और एक विधायक का कक्ष जिला अस्पताल में वहाँ पर रहेगा, जिससे कि चिकित्सालय सेवा का व्यवसाय नहीं है, मेरा वायदा रहेगा, व्यवसाय नहीं रहेगा, ये हम सेवा देने का प्रयास करेंगे। मेरा यह दूसरा मेरा यह संकल्प है, देवास का कोई भी छात्र पैसे के अभाव में चाहते हुए शिक्षा ग्रहण करने से वचन लाया हूँ। मैंने कोरोना काल की महामारी को आत्मसात किया है, इसके मेरे दिन की शुरुआत महात्मा गांधी चिकित्सालय से प्रतिदिन रात 2 घंटे का समय चिकित्सालयों में मरीजों और उनके परिजनों की सेवा में दूंगा। पैसे के अभाव में किसी भी मरीज का इलाज नहीं मिलेगा, सारी बातें उन्हें देखिए। बहुत अच्छा सवाल है। जो भी लोग जेल में है ना, आप जानकारी के लिए मैं बता दूं, आज आपने पिछले दिया तो बहुत अच्छी बात, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो लोग भाजपा में गए पैसे के लिए, अभी नगर चुनाव सहायक मंत्री था, मेरी श्रीमती को चुनाव लड़ाने के लिए खुद जितना चाहती थी, और लोगों का यहाँ तक कहना है कि 500 करोड़ का फैसला नगर निगम है, 100 करोड़ 200 करोड़ 5 साल में कमाल हो गया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी मुझसे संपर्क किया, ये खुलासा कर रहा हूँ कि आप भाजपा में चल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी साहब को लड़ा देंगे। अगर मुझे जाना होता तब चले जाता हूँ, जिसका हूँ कार्यकर्ता हूँ, कोरोना काल में बहुत जगह में जाके लड़ा हूँ, मुझे कोई लालच दे जाएगा कि और जो मेरी इच्छा कर रहा है सेवा करने के लिए सेवा कर रहा हूँ। उसके साथ छापे योजना मोहनलाल जी लेकर आए हैं, किसानों के 2600 रुपये में जाएगा, गेहूँ भेजा जाएगा, समर्थन मूल्य में ये कमलनाथ जी बोल चुके हैं, गवर्नमेंट करेंगे कमलनाथ जी से लाभ करेंगे। आवाज़ में पूछना जा रहा है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं, इस स्थिति में उन्हें उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए प्रतिभा मजदूर श्रमिक पंचायत बुलाई जाएगी और उद्योगों में कार्यरत श्रमिक साथियों की समस्या का निराकरण किया जाएगा। चौथा मेरा संकल्प है, बेरोजगार युवाओं का प्रत्येक कार्य मेरे कार्यालय द्वारा किया जाता, उन्हें स्थानीय उद्योगों में रोजगार दिलाने के लिए प्रशिक्षण और उनका वातावरण तैयार कर सुरक्षित व्यवसाय हेतु बैंकों से कर्ज जिला उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि होकर आत्मनिर्भर बन सके, सभी परिवार का परिवार का नियोजित रूप से सर्वे कराकर किसी
युवक को बेरोजगार नहीं रहने दिया जाएगा। वचन पत्र जो हम जनता के बीच में आए हैं, पंचामृत, पंचामृत ये हमने आज जनता के बीच में लाया कि अगर जनता हमको विधायक बनाती तो हम क्या करेंगे देवास के लिए। उसमें हमने मुख्य मुद्दे हमने दिए हैं, सारी बातें हमने इसमें दी है, आप लोगों के माध्यम से आपने सुनी है, और हम एक नए देवास का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध है और करेंगे। आपने जिला अस्पताल को लेकर नवाचार की बात की, क्या जिला अस्पताल में 2 घंटे रोज मेरे को देना है, रोज जनता के लिए वहाँ बैठना है, जनता की बात सुनना है, और मेरा प्रतिनिधि 24 घंटे वहाँ पर उपलब्ध रहे, ये प्रयास करके मैं जनता के कैसे सुविधा दे सकूँ इस ओर कदम बढ़ाया है। 45 वार्डों में आपने जाने की बात कही है, जैसा कि आपका रहेगा हर 30 दिन में मैं 45 वार्ड और 28 पंचायतों में पहुँचने की कोशिश करूँगा, दौरे करूँगा, लोगों के बीच में रहूँगा। अभी आपने अहम सवाल है, शासकीय जो प्राथमिक स्कूल है उनमें बच्चे नहीं है और टीचर है, और एक टीचर के आप समझते हैं क्या है, ये इसमें कमलनाथ जी ने एक वचन दिया है कि 5वीं की क्लास में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियों को 500 रुपये की स्कॉलरशिप, 10वीं पढ़ने वाले को 1000 और 12वीं तक पढ़ने वाले को 1500 रुपये। इस योजना का लाभ लेने के लिए आमजन आएंगे और शासकीय स्कूल पर फिर से भरोसा बनेगा। स्कूल को वो कमलनाथ जी का विजन है कि हर जिले के अंदर अच्छे स्कूल बनाए जाए, उस पर काम करेगी सरकार, उसके साथ ही ये सब अपडेट होंगे तो बच्चे भी ऑटोमेटिक प्राइवेट स्कूलों का मुंह छोड़कर सरकारी स्कूलों में अगर सुविधाएं मिलेगी तो वो उस पर आएंगे, तो जो हमारे शिक्षक हैं उनसे भी हम अच्छे से काम ले सकते हैं। अजय भाई, एक अहम सवाल था, आपने सब कुछ बोला, देवास में करीब 450 इंडस्ट्रीज थी, आज धीरे धीरे बंद हो रही है, क्या आप उन इंडस्ट्रियों की तरफ वापस जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। किस तरह थोड़ा बताएं? उनकी भी समस्याएं पूछेंगे, उनकी समस्याएं पूछेंगे, सरकार की इतना ध्यान आकर्षण कराएंगे। भाई क्या है, मेडिटर है, विधायक क्या है, विधायक का पद क्या है, जनता और सरकार के बीच का मेडिटर है, जनता में जो बातें हैं वो सरकार के कानों में भेजना, सरकार से अधिकार पूर्वक उनको काम करवाना, लड़कर काम कराना, झगड़ कर काम कराना, प्रेम से काम कराना, अपनी जनता को सुविधा मुहैया कराना, तो यही तो काम है। हम यही तो विधायक चाहते हैं ना, कैसा है तो विधायक चाहिए, कि अगर हमारे प्रेस के साथी अगर परेशानी है तो हम सरकार को ध्यान आकर्षण कराएं, उद्योग अगर परेशान है तो उसमें सरकार का ध्यान आकर्षण कराएं, कर्मचारी परेशान है तो उसमें सरकार का ध्यान आकर्षण कराएं। नियम गाड़ी के जो हेल्पर हैं कचरा गाड़ी के, उनने कुछ आंदोलन करा था नगर निगम में, 5 माह से वेतन नहीं मिला, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? बहुत गलत है, बहुत निंदनीय है। आज दिवाली का त्यौहार है और हर घर में दिवाली बिना पैसे के नहीं बनती है। इन बड़े नेताओं को, ये जो महापौर है या सभापति है, इनको नींद के साथ इनके यहाँ कर्मचारी के यहाँ दिवाली नहीं मन रही, ये दिवाली मनाएंगे, बड़े शर्म की बात है। कुछ कराएंगे क्या? वो मुस्लिम समुदाय की कम्युनिटी से बात बैठ कर बात करेंगे, उनमें भी अगर उनके भी प्रवचन हाल होते हैं, प्रवचन होते तो उसमें भी अगर कुछ करना हुआ तो जो आम जन के अंदर से भाव आएंगे उसके सब पे करेंगे। अभी आपने बोला जो विधायक बनने के बाद जो अवैध गतिविधियाँ उस पर आप अंकुश लगाएंगे, क्या उसके लिए प्लान है? 24 घंटे के अंदर, विधायक बनने के 24 घंटे बाद से अंकुश चालू हो जाएगा। बंद नहीं हो तो खत्म हो गया, तो खत्म कर दी हो तो खत्म ही हो गई। के चुनाव के अहम मुद्दे भी उसको लेकर के अब भविष्य में क्या निर्णय लेंगे, ये सुनने में आया था कि आप कुछ शिकायत करेंगे, आपकी शिकायतों के ऊपर कार्रवाई होगी, एनएस तक लगवाएंगे, ऐसा कुछ सुनने में आया था। देखिए 24 घंटे के बाद में कलेक्टर और एसपी को बिठा कर स्पष्ट निर्देश रहेंगे कि आप यहाँ पर अवैध कारोबार में जीरो टॉलरेंस चाहिए, जीरो चाहिए बिल्कुल, और वो कैसे होगा करना तो प्रशासन को, कोई मैं तो लग डंडे लेके जाऊँगा नहीं, प्रशासन के ऊपर इतना दबाव रहेगा कि वो काम बंद कराए। मतलब आप शिकायत के लिए सीधे सुनवाई आप तक भी पहुँचेगी? हमने उनका आंदोलन देखा, किस तरह से देखा, फिर आप गए थे क्या विस्तार से बताएं? शासकीय परिसर में हम चुनाव नहीं कर सकते, देखो मैं चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रहा हूँ और चुनाव आयोग के हर नियम का पालन कर रहा हूँ, और मेरे जाने से कोई मैं उनका वेतन मेरे कहने से करने देंगे, वो उनके आंदोलन का मैं समर्थन करता हूँ, पर बहुत ही बेशर्मी की बात है, आज विधायक को, विधायक पूर्व विधायक, फिर उनकी बात अपन छोड़े, महापौर को, सभापति को नींद कैसे आ गई कि उनके यहाँ उनकी संस्था में काम करना है वाले उस गरीब कर्मचारी के घर दिवाली कैसे बनेगी, आज उनके जो उनके बच्चे रास्ता देते हैं कपड़े के लिए, पटाखे के लिए, मिठाई के लिए, पूजन पाठ के लिए, आज जिस तरीके का वातावरण पहली बार देवास में ऐसा हुआ है,
इस नगर निगम के होते तनख्वाह लेट होती है, लेकिन दीपावली पर तनख्वाह नहीं देना ये पहली बार हुआ है। क्योंकि मतलब यहाँ कमिश्नर का कहना था कि जो 50,000 दिन की अधिक तनख्वाह उन लोगों का वेतन रोका गया है, मास्टर कर्मी और दैनिक वेतन का पेमेंट हो चुका है। नहीं देखिए, ये मुझे नहीं मालूम है, इतने कल एक आंदोलन हुआ है, वो गाड़ी चलाने वाले कर्मचारी है जो संस्था से जुड़े सभी तो है ना, दीपावली तो उनकी है। ठेकेदारों का पेमेंट कैसे हो रहा है? वो ठेकेदारों में के भी मुझे जो एक शहर में आम चर्चा का विषय बनी है कि कुछ चुनिंदा ठेकेदार जो पूर्व विधायक के चहे थे, वो जो महापौर के चहे थे, उन ठेकेदारों का पेमेंट हो रहा है, और जो बाकी ठेकेदार भी ऐसे घूम रहे हैं उनका उनके तरफ से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या मानते हैं प्रतिक्रिया, चूँकि इस तरह से कर्मचारियों के अगर अंधेरा रहना और दिवाली का पर्व, जनप्रतिनिधि की भी लापरवाही बड़ी देखने मिली। देखो ये आज पूरा धरना खराब है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, उसमें देवास अछूता कैसे रह सकता है? ये तो 3 तारीख को एक नया सूरज उगेगा और सारी चीज़ें अच्छी होने लगेंगी। आपने ये जो नशा, अवैध व्यापार और इसको लेकर